गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। और आज हम पढ़ेंगे टोटल प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम डायग्राम से समझेंगे। टोटल प्रेशर क्या होता है? मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड जो है हमारा, जो लिक्विड है वो क्या है, स्टैटिक है। और इसमें हमने एक प्लेन डाला है, तो उस प्लेन पर जो हमारा स्टैटिक लिक्विड है वो जितना भी फोर्स अप्लाई करेगा उसी को हम कहते हैं टोटल प्रेशर। यानी कि इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि लिक्विड में डूबी किसी प्लेन पर लिक्विड द्वारा जितना भी फोर्स अप्लाई किया जाता है, फोर्स की बात कर रहे हैं हम, प्रेशर की नहीं, फोर्स जो अप्लाई किया जाता है उसी को हम प्रेशर कहते हैं। और इसे हम, जो यूनिट होती है इसकी वो न्यूटन होती है। क्यों? क्योंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं, प्रेशर की नहीं। तो ये सिंपली आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। ये देखिए क्या डेफिनेशन हो जाएगी टोटल प्रेशर की, कि द्रव में डूबी किसी समतल पर द्रव के द्वारा लगाया गया कुल बल कुल दाब कहलाता है। यानी कि ये देखिए, ये हमारी क्या है, पानी में डूबा हुआ है, ये कोई प्लेन है, तो इस पे जितना भी जो हमारा लिक्विड है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। ओके, अब इसमें एक बार हम लोग हाइड्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल और देख लेते हैं, यानी कि द्रव स्थिति के सिद्धांत। ये मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बताए हैं आपको, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला हो गया हमारा कि किसी समतल पर दाब की तीव्रता समतल के लंबवत होती है। ये मैंने आपको कई बार बताया है, अपनी लगभग हर वीडियो में बताया होगा कि जो हमारा प्लेन होता है उस पे जो प्रेशर होता है वो उस प्लेन के कैसा लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। सेकंड है हमारा कि द्रव की सतह से नीचे जाने पर दाब की तीव्रता बढ़ती है। ये हमने अपने रिलेशन वाले उसमें पढ़ा था, किसमें, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ। तो प्रेशर इंटेंसिटी एंड डेप्थ, तो उसमें हमने प्रूफ भी किया था कि जो जेड डायरेक्शन है हमारी उसमें क्या हो रहा था, कि जेड डायरेक्शन में नीचे जाने पर हमारा जो प्रेशर था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। एंड थर्ड है हमारा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ हमने एक अलग सी वीडियो बनाई है, उसमें बहुत क्लियरली समझाया गया है कि पास्कल लॉ क्या है। तो यही है हमारा थर्ड प्रिंसिपल। ये तीन प्रिंसिपल होते हैं हमारे हाइड्रोस्टैटिक के, जो नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं और आपको ये याद भी होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक है वो इन्हीं तीनों पर बेस्ड है। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल्स और टोटल प्रेशर अच्छे से समझ आया हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।